हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। दिस इज़ देव शर्मा एंड यू आर वाचिंग पाथ प्रॉपर्टीज़। आज हम बात करने वाले हैं कासा ग्रीन वन के बारे में, जो कि लोकेटेड है सेक्टर 16 बी ग्रेटर नोएडा वेस्ट में। कासा ग्रीन प्रोजेक्ट जो है वो राधा कृष्ण ग्रुप का है और ये दिल्ली NCR में इनका फर्स्ट प्रोजेक्ट है। और इससे पहले ये अपने दो प्रोजेक्ट जो हैं वो लखनऊ में सक्सेसफुली डिलीवर कर चुके हैं। ये प्रोजेक्ट जो है टोटल 5 एकड़ में बना हुआ है। अगर हम इसके सराउंडिंग्स की बात करें तो इसके फ्रंट रोड जो है वो 60 मीटर का है, जिसमें कि आपको इसके जस्ट अपोजिट इंस्टीट्यूशनल जोन देखने को मिलेगा, जिसमें कि आपको SKS वर्ल्ड स्कूल, विजडम ट्री और BLS जैसे इंटरनेशनल स्कूल्स मिलेंगे। और इसके राइट साइड में आपको 7.5 एकड़ का पार्क मिलेगा, जो कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी द्वारा डेवलप किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट जो है पूरा इटालियन थीम पर बेस्ड है, जिसमें कि आपको सारी मॉडर्न एमिनिटीज़ मिलेंगी। इस प्रोजेक्ट में टोटल 9 टावर्स हैं, जिसमें कि कुछ टावर्स 14 फ्लोर्स की स्टोरीज हैं और कुछ टावर्स जो हैं इसकी 21 और 25 फ्लोर्स की स्टोरीज हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो पूरी रोमन थीम पर बेस्ड है। इसमें आपको एक 18,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस मिलता है, जिसमें कि आपको टेरेस पर ही 2 बैडमिंटन कोर्ट मिलते हैं। इसके लैंडस्केप की बात करें तो इसमें आपको एडजेसेंट टू द क्लब हाउस एडल्ट और किड्स बोथ स्विमिंग पूल मिलते हैं। बात करें किड्स प्ले एरिया की तो इसमें आपको हाफ बास्केटबॉल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, जॉगिंग एरिया, साइकिल ट्रैक, सिटिंग एरिया और ओपन जिम मिलता है। और इस प्रोजेक्ट में जो है आपको काफ़ी लश ग्रीनरी भी देखने को मिलेगी। इस प्रोजेक्ट में जो है आपको 2 और 3 BHK के लग्जरी अपार्टमेंट्स देखने को मिलेंगे। 2 BHK जो है आपको 1190 और 1090 का साइज़ मेंमिलेगा, जो कि आपको 40 लाख ऑनवर्ड्स में मिलेंगे। और 3 BHK जो है आपको 1490 का साइज़ मिलेगा, जो कि आपको 60 लाख ऑनवर्ड्स में मिलेगा। बात करें इस प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी की तो ये प्रोजेक्ट गौर चौक से सिर्फ 3 से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और इस प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी NH91 और NH24 से भी काफ़ी अच्छी है। ये प्रोजेक्ट जो है आपको वेल मेंटेन्ड, डेवलप्ड और रेडी टू मूव इन मिलेगा। इस प्रोजेक्ट में जो है आपको अंडर कंस्ट्रक्शन वर्क कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ग्रेटर नोएडा वेस्ट में जो है ऐसे काफ़ी बिल्डर्स हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन और वेल मेंटेन्ड भी नहीं हैं। और अक्सर लोग ग्रेटर नोएडा वेस्ट में फ्रॉड के चलते रेडी टू मूव इन ही फ्लैट लेना पसंद करते हैं। ये लग्जरी अपार्टमेंट आपको वेल मेंटेन और रेडी टू मूव इन मिलेगा, तो इस प्रोजेक्ट में आप बिना किसी हेजिटेशन के फ्लैट परचेस कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ 2 BHK 1190 स्क्वायर फीट का एक्चुअल फ्लैट, A6 टावर का 10th फ्लोर। इसकी एंट्रेंस लॉबी जो है वो काफ़ी लेविश और ग्रैंड है, जो कि काफ़ी अच्छा इंप्रेशन देती है। इसके एक फ्लोर पर जो है टोटल 6 फ्लैट्स हैं, जिसमें कि आपको 2 लिफ्ट्स मिलती हैं, एक सर्विस और एक पैसेंजर लिफ्ट। तो ये आ चुके हैं हम A6 टावर के 10th फ्लोर पर। सोसाइटीज़ में भले ही आप मेंटेनेंस देते हों, लेकिन सोसाइटी को अगर इंडिपेंडेंट हाउस से कंपैरिजन किया जाए तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सोसाइटी की सिक्योरिटी ज़्यादा टाइट रहती है। तो ये आ चुके हैं हम 2 BHK फ्लैट की मेन एंट्रेंस पर, और एंट्रेंस करते ही जो है इसका लिविंग एरिया है, जो कि 9x12 का है। लिविंग एरिया के साथ ही इसकी अटैच्ड जो है बालकनी है, जो कि 5 फुट वाइडर है। और इसके साथ ही जो है इसका डाइनिंग एरिया है, जो कि 6x11 का है। बिल्डर जो है फ्लैट वो आपको काफ़ी रॉ कंडीशन में देता है। इस फ्लैट में आपको स्टील गेट, मॉड्यूलर किचन और वार्डरोब्स का वर्क जो है एक्स्ट्रा करा हुआ मिलेगा। और ये है इसकी लिविंग एरिया की बालकनी का बाहर का व्यू। इस फ्लैट में टोटल जो है 3 बालकनी हैं, और डाइनिंग एरिया के साथ ही जो है इसका किचन है, जो कि 6.5x8 का है। इस किचन में आप देख सकते हैं कि इसके ओनर ने जो है काफ़ी अच्छा जो है इसमें मॉड्यूलर किचन का वर्क करा रखा है। ये फुली लोडेड मॉड्यूलर किचन है, लेकिन बिल्डर जो है आपको इसमें किचन जो है काफ़ी रॉ देता है, जिसमें आपको मार्बल स्लैब और सिंक का वर्क देखने को मिलेगा। और इसी के साथ ही किचन के साथ जो है यूटिलिटी बालकनी भी है इसमें, ये जो 5 फिट वाइडर है, जिसमें आपको वॉशिंग मशीन के लिए फिटमेंट्स भी दे रखे हैं। ये है इसके किचन के विंडो के बाहर का व्यू। तो आप इसमें अपनी इच्छा अनुसार मॉड्यूलर किचन, स्टील गेट, POP या फोर सीलिंग का वर्क करा सकते हैं।
ये है इसका कॉमन बाथरूम जो कि 5x7 का है। इस फ्लैट में दो टॉयलेट हैं जिसमें आपको सारे फिटमेंट्स पेरीवेयर जैगवार हिंडवेयर सैनिटरी वॉल माउंटेड टॉयलेट मिलेगा। ये है इसका लॉबी एरिया जो कि 9x3.5 का है। ये है इसका बेडरूम जो कि 10x11 का है और इसमें भी इसके ओनर ने जो है काफ़ी अच्छा काम करा रखा है। ये है इसकी फ्रेंच विंडो और इसके साथ ही है इसका सिटिंग एरिया। ये जो है इसके बिल्डर ने इसमें अलग ही कॉन्सेप्ट दिया है। ये देखिए इसमें जो इसके ओनर ने है काफ़ी अच्छा जो है इसमें वार्डरोब्स जो हैं बना रखी हैं। ये इसमें ओनर ने जो है अलग से काम करा रखा है। तो चलिए चलते हैं। ये है इसका किड्स रूम जो कि 10x7 का है। इसे आप स्टडी रूम भी कह सकते हैं या किड्स प्ले एरिया भी बना सकते हैं। ये है इसका मास्टर बेडरूम जो कि 10x12 का है और ये है इसकी अटैच वार्डरोब्स और अटैच बाथरूम जो कि 5x8 का है। इस टॉयलेट में भी सारे फिटमेंट्स आपको ब्रांडेड ही मिलेंगे। तो कैसा लगा आपको ये 2BHK फ्लैट कासा ग्रीन्स 1 का ग्रेटर नोएडा वेस्ट सेक्टर 16 बी में, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें और इसी तरह की नई नई वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूं। मैं आपका होस्ट देव शर्मा। थैंक यू। टेक केयर एंड बाय बाय।